नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का इंटरनेशनलाइजेशन करना। अब जैसे बत्रा सर ये कोर्स पढ़ा रहे हैं और इसको सीए का जो स्टूडेंट है वो भारत भर से मुझसे ले रहा है, ठीक है। जयेंद्र माले कह रहे आ तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वास्ट है। बिल्कुल बेटा, जब हम इनिशियल नॉलेज लेंगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे ही चैप्टर खत्म करेंगे ये समरी हो जाएगा आपके, आपके लिए समरी हो जाएगा ये। अभी आपको वास्ट लगेगा पढ़ते हुए, चैप्टर खत्म करते ही समरी हो जाता है। जैसे पहला चैप्टर आपके लिए पूरा कंसाइज हो चुका है, वैसे चैप्टर दो पढ़ के पूरा कंसाइज कर देंगे हम आपके लिए। हर चैप्टर ऐसे ही कंसाइज कर देंगे हम आपके लिए चैप्टर पढ़ते ही। तो अब बत्रा सर अपनी ये क्लास को भारत भर में, अब करीब करीब 1000 बच्चे तक हम पहुंचने जा रहे हैं, पूरे भारत भर में हम दे रहे हैं, है ना। हर तरीके के बच्चों को हम पहुंच चुके हैं, हम आगरा पहुंच चुके हैं अपने इन क्लासेस के माध्यम से, है ना। आगरा है, लखनऊ है, इसके अलावा पटना है, मोहाली है, मुंबई है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, सिंधुदुर्ग है ना, औरंगाबाद है, और चेन्नई है, बेंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम है, मतलब असम है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है ना, हर जगह पहुँचे, सिलीगुड़ी है, हर जगह पहुँचे हुए हैं, जम्मू है ना, इसके अलावा हरियाणा के कई जगह जिले में पहुँचे हुए हैं, करनाल है ना, उसके अलावा पंजाब में लुधियाना है, जलंधर है, राजस्थान में चुरू है, जोधपुर है, ऐसे कई जगह पे हम पहुंचे हैं। लेकिन अगर बत्रा सर की इन क्लासेस को जो हमारे इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं वहाँ के स्टूडेंट दुबई में, लंदन में, नेपाल में, काठमांडू से भी लेने लगे, तो बत्रा सर का ये बिजनेस कैसा हो जाएगा? डोमेस्टिक की जगह हो जाएगा इंटरनेशनल। तो अगर आप अपनी विंग्स को, आप अपने बिजनेस को दुनिया के दूसरे देशों तक फैलाते हो, वहां पे आप अपने प्रोडक्शन हाउसेस लगाते हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो और माल को वहां पे बेचते हो, तो इसे अपन कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। जैसे टाटा ने नैनो को यूरोप में बेचना शुरू किया, नैनो में फैक्ट्रियां, नैनो की फैक्ट्रियां यूरोप में लगा दी, वैसे ही दुनिया के कई देशों ने भारत में फैक्ट्रियां लगा ली है। भारत में फोर्ड बन रही है, भारत में जनरल मोटर की गाड़ियां बन रही है, भारत में फॉक्स वैगन बन रही है, भारत में हुंडई बन रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने देशों से निकल के भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं, तो ये उनके लिए इंटरनेशनलाइजेशन है। वैसे ही भारत की कंपनियां अपने देशों के अलावा दुनिया के देशों में जाकर प्रोडक्शन हाउसेज और फैसिलिटीज लगा रही हैं और वहां माल बना के बेच रही हैं, तो ये हमारी कंपनियों के लिए इंटरनेशनलाइजेशन है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल कंपनियों की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना। तो अब कंपनियां क्या हो रही है, केवल डोमेस्टिक अपने देशों में माल नहीं बेच रही हैं, अब वो माल को विदेशों में भी बेच रही हैं, और इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। बात आई क्या सबको समझ में? तो आइए बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस की। इंटरनेशनलाइजेशन हैज इमर्ज एज ए डोमिनेंट कमर्शियल ट्रेंड। पूरी दुनिया भर में ये ट्रेंड अब बढ़ रहा है। ओवर द लास्ट कपल ऑफ डिकेड, पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से ये बढ़ रहा है। इट इनेबल्स बिजनेस टू एंटर इन टू द न्यू मार्केट इन द सर्च ऑफ ग्रेटर अर्निंग एंड लेस एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। तो हम चाहते हैं नए नए मार्केट में जाए। अब वो नया मार्केट आपके देश की बजाय दूसरा देश भी हो सकता है, नई जगह से सप्लाईज हम पाए, रॉ मटेरियल हो सकता है अपने देश की बजाय दूसरे देश में सस्ता मिलता हो। अब जैसे दुनिया के कई देश भारत में आके काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में लेबर सस्ती है ना, दूसरे देशों के मुकाबले। आज मैं बात करूं पाउंड के मुकाबले, पाउंड के मुकाबले भारत की मुद्रा जो है सस्ती है ना, करीब करीब 80 रुपये का, 80 रुपये का एक पाउंड हुआ करता है, और 90 90 रुपये का करीब करीब यूरो हुआ करता है ना, और 80 के आसपास ही हमारा डॉलर हुआ करता है। तो अब आप देखें जब इतना इंडियन रुपीज डिवेल्युएटेड इन करेंसीज के मुकाबले, तो अगर कोई अमेरिकन कंपनी, कोई यूरोपियन कंपनी, कोई डच कंपनी, कोई इंग्लैंड की कंपनी भारत में आके लेबर लेगी, तो उसको तो उनके देश के मुकाबले सस्ता लेबर ही लगेगा ना। अगर वहां वो 5000 5000 यूरो ले रहा है और भारत में भी वो 5000 रुपये ले रहा है, तो सोचो उनको कितने यूरो में पड़ गया, 5000 डिवाइडेड बाय 90, तो उनको तो करीब करीब 1/5 कॉस्ट पे, 1/10 कॉस्ट पे ही ये सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं। तो नेचुरली उनके लिए सस्ता लेबर, सस्ता रॉ मटेरियल उपलब्ध होना होता है इस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस में। एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली इनेबल द बिजनेस टू अचीव ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि हम ज्यादा माल बेच पाते हैं एंड लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एसेंशियली सेम होता है ग्लोबल फर्म के लिए,
जैसा डोमेस्टिक फर्म के लिए होता है, लेकिन इंटरनेशनल प्रोसेस मच मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ड्यू टू एडिशनल वेरिएबल एंड लिंकेजेस। ए बिजनेस कैन अप्रोच इंटरनेशनलाइजेशन सिस्टमेटिकली विद द एड ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो कोई भी बिजनेस इंटरनेशनलाइजेशन कर सकता है, लेकिन उसको प्लानिंग बनानी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल की, अपने देश को सेटिस्फाई करने की प्लानिंग नहीं बनानी, हमें प्लानिंग बनानी है इंटरनेशनल कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विस देने की और उन्हें सेटिस्फाई करने की। बात आई क्या सबको समझ में? तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब होता है इंटरनेशनल नियमों के आधार पर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में परिवर्तित करके वहां तक के बेचने की कैरेक्टरिस्टिक्स को विकसित कर लेना। वन मेथड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इन द ग्लोबल मार्केट इज बाय स्कैनिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसके लिए आप क्या करें, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का अध्ययन करें और इसके लिए आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्कैनिंग करें। द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजी एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आर मेड फिजिबल बाय इंटरनेशनलाइजेशन। तो हम चाहते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए, तो हमें अपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के प्रयास करने पड़ेंगे। अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्लोबल कंपनी की? एक ग्लोबल कंपनी की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्लोबल कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी। नंबर वन, इट इज कॉन्ग्लोरोमेट ऑफ मल्टीपल यूनिट। ये अपने आप में एक बिजनेस नहीं होता है, ये कई सारे बिजनेसेस का ग्रुप होता है, लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। तो ये कॉन्ग्लोरोमेट है मल्टीपल यूनिट का, लेकिन लिंक किया गया है कॉमन ओनरशिप से। दूसरा, मल्टीपल यूनिट ड्रॉ ए कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। एक कॉमन पूल से हम सारे रिसोर्सेज ड्रॉ करते हैं, चाहे वो मनी हो, क्रेडिट हो, इंफॉर्मेशन हो, पैटर्न हो, ट्रेड नेम है या कंट्रोल सिस्टम हो, सब के सब चीज़ें एक जगह से ड्रॉ की जाती हैं, एक पूल से ली जाती हैं। नंबर तीन, द यूनिट रेस्पॉन्ड टू द सेम कॉमन स्ट्रेटजी, बिसाइड इट्स मैनेजर एंड शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट नेशन। तीसरा होता है कि हमारे को एक कॉमन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि हम डील कर सकें उनके साथ में। तो तीन चीजें होती है ग्लोबल कंपनी की विशेषताओं में। पहला, ये कॉन्ग्लोरोमेट है मल्टीपल यूनिट्स का जो कि कॉमन ओनरशिप से चलता है। दूसरा, मल्टीपल यूनिट इसमें कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज से ड्रॉ किए जाते हैं। और तीसरा, यूनिट जो होती है कॉमन स्ट्रेटजी के तहत चला करती है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस की, याद कर लें इसको, अच्छे से समझ लें। अब आता है कैसे आप इंटरनेशनली अपने आप को डेवलप करेंगे, डेवलपिंग इंटरनेशनली। इंटरनेशनली कैसे डेवलप करेंगे आप? इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग, क्योंकि आपको दूसरे देशों में जाके प्रोडक्शन फैसिलिटी बनानी पड़ती है, उनके देश के नियम कायदे मानने पड़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वहां लगानी पड़ती है, तो इसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, तो ये एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग भी है। मूविंग ऑन इन एन ए थ्रू एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर इज द आइडियल अप्रोच टू अडॉप्ट। तो आपको धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। द स्टेप्स इन द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आर एज फॉलोज। तो अब आओ बात करते हैं स्टेप्स की जो इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ हमें आगे ले जाते हैं। पहला, इवेल्युएट द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एंड रेट देम विद द इंटरनल कैपेबिलिटी। सबसे पहले आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का अध्ययन करना पड़ेगा और फिर उन्हें रेट करना पड़ेगा, हमारे लिए वो कितना लाभदायक है या कितना नुकसानदायक है। नंबर टू, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द फर्म ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन। अगर हम इसको ग्लोबली करेंगे तो उसका श्रेय आपको मिलेगा, ऐसा हमें टॉप मैनेजमेंट को समझाना पड़ेगा कि ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन करेंगे हम, उसका जो फायदा होगा उसका श्रेय हम आपको देंगे, आपके बारे में बताएंगे तो अच्छा लगेगा, तो गुड फेथ में वो ऐसा करने के लिए तैयार भी होंगे। नंबर तीन, क्रिएट द फर्म ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। उनको ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझाया गया,
आप अचीव करेंगे आने वाले समय में। नंबर चार, डेवलप डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट स्ट्रेटजी फॉर द ग्लोबल बिजनेस एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या करें आप, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी का निर्माण करें अपने ग्लोबल बिजनेस के लिए। डेवलप द डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट स्ट्रेटजी फॉर द ग्लोबल बिजनेस। बात आई सबको समझ में? तो स्टेप्स क्या है समझे जरा। पहला स्टेप है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को पहले अध्ययन करो, फिर उन्हें रेट करो कि ये हमारे लिए कितना फायदा और नुकसानदायक हो सकते हैं। नंबर दो, इसको बताओ कमर्शियल ऑपरेशन का जो ग्लोबल लेवल पे आप करोगे। नंबर तीन, फर्म का ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव बताओ। नंबर चार है हमारे पास में, डेवलप करो डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट स्ट्रेटजी जो आपके ग्लोबल बिजनेस के लिए आपको बनानी है। तो चार तरीके के स्टेप्स हम यहाँ पे बता रहे हैं। क्या ये सबको समझ में आ रहे हैं? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।